हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और न्यू HyperOS 2 कंट्रोल सेंटर, जिसे आप अपने फोन पे इंस्टॉल करके अपने यूजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि ये कौन सा कंट्रोल सेंटर है और इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे और इसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वैसे दोस्तों, अगर आप एक न्यू HyperOS 2 थीम ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में एक थीम की वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट करना ना भूलें। अब बात करते हैं आज के इस न्यू HyperOS 2 कंट्रोल सेंटर की, तो वह हमें कुछ इस स्टाइल में देखने को मिलेगा, जहां पे हमें कुछ टॉगल्स जैसे के वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्राइटनेस, वॉल्यूम और Xiaomi स्मार्ट हब हमें कैप्सूल टाइप में देखने को मिलेंगे। वहीं नीचे के टॉगल्स हमें सर्कुलर देखने को मिल जाएंगे। वैसे इन टॉगल्स में हमें कुछ यूनिक एनिमेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे मोबाइल डाटा को अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें मोबाइल डाटा का टेक्स्ट, न्यूज हेडलाइंस जैसे देखने को मिलेगा, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दूसरी, ये जो वाईफाई है, अगर इसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें टर्निंग ऑन का एनिमेशन देखने को मिलेगा। तीसरी है ब्राइटनेस और वॉल्यूम बार, जिसे अगर हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं तो इस बार में हमें व्हाइट आउटलाइन का एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं नीचे के टॉगल्स को भी जैसे ही ऑन करते हैं तो इनमें भी हमें व्हाइट आउटलाइन देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन ये भी दिखने में काफी कूल लगते हैं। नेक्स्ट बात करें इस कंट्रोल सेंटर के स्टेटस बार की, तो हमें कुछ इस स्टाइल में देखने को मिलेगा, जहां पे लेफ्ट साइड पे डे और डेट, वहीं राइट साइड में नेटवर्क और बैटरी स्टेटस देखने को मिलेंगे। बट सबसे यूनिक चीज मुझे ये लगी कि जो बैटरी आइकन है वो हमें डिजिटल ओडोमीटर जैसा देखने को मिलता है, जो कि शायद ही आज से पहले मैंने कोई थीम में देखा हो। बाय द वे, क्या आपने कभी इस टाइप की बैटरी आइकन पहले देखी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट के तरफ, जो कि हमें एज इट इज ही देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें स्टॉक थीम में देखने को मिलता है। तो अब फंडा यह है कि ये कौन सी थीम है और इसे कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से इस थीम की बैकअप फाइल को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है अपने फोन के बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स में। फिर आपको अपने थीम मैनेजर की बैकअप ले लेनी है। उसके बाद आपको जाना है अपने फोन के फाइल मैनेजर पे, फिर MIUI का बैकअप फोल्डर, और अपने करंट बैकअप थीम फाइल को रिप्लेस करना है, जिसे आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया था। उसके बाद फिर से जाना है बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स में और फिर करंट बैकअप थीम फाइल को रिस्टोर करना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपके थीम मैनेजर पे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी, जिसे आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थीम अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के थीम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।